पूजा मकर का जल्दी शुरू करते हैं। पूजा, क्या अब भी लोग पैदल चले आ रहे हैं, क्योंकि 1 से 1.5 किलोमीटर पहले ही पार्किंग है, वहां से पैदल जाना पड़ रहा है, तो क्या ये सिलसिला पहुंचने का अब भी जारी है या फिर रुक गए हम? बिल्कुल राजीव, देखिए ये शहीद भगत सिंह नगर है, भगत सिंह का गांव है और एक तरह से तीर्थ यात्रा समझ लीजिए कि लोग चले जा रहे हैं। यहाँ जो लोग हमसे मिले वो खुद बता रहे हैं कि 3 किलोमीटर चल चुके हैं और अभी और चलना है और वो चलने का सिलसिला खत्म नहीं हुआ है। पीली पगड़ी में यहाँ पर भी लोग नजर आ रहे हैं, कितना पैदल चलना पड़ा और अभी कितना और चलना है। अजय हूँ चल रहे थे, खड़ाई है कार था, गड्डी उरे खड़ा ली, इतों जाना पड़ेगा 3 किलोमीटर पैदल जाएंगे। कहाँ से आए, किस गांव से? सी ब्रंगत में आई, फतेहगढ़ जिला। फतेहगढ़ जिले से आप लोग आए हैं, क्या कहना चाहते हैं अपने सीएम से, क्या उम्मीदें हैं? सारी उम्मीदें सीएम पर है, अब जो भी काम करेंगे सीएम में करेंगे। लगता है क्या कुछ बदलाव आएगा पंजाब? हाँ जी, हाँ जी आएगा जी, हाँ बदलाव आएगा जी पंजाब में। चलिए देखिए राजीव, यहाँ पर जब हम वोटर से बात करते हैं, ये कह रहे हैं कि जो भी करेंगे ठीक करेंगे, कुछ कहना चाहते हैं अपने सीएम को? बात नहीं, सीएम सब अच्छे हैं, बंदे हैं, सब ठीक है। एक चीज राजीव हम बताना चाहेंगे कि जब हम जनता से बात कर रहे हैं पंजाब की, तो उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। जितना बंपर बहुमत दिया गया है उतनी ही उम्मीदें भी हैं लोगों को, चाहे वो रोजगार मिलने की बात हो या फिर पंजाब को नशे से आजादी दिलाने की बात हो। तो जब इतनी ज्यादा उम्मीदें होती हैं तो जाहिर है पार्टी के लिए इम्तिहान भी बड़ा कड़ा हो जाता है। अब ऐसे में पंजाब में वो सुधार लाना जिसकी उम्मीद रखते हुए जनता ने यहाँ तख्ता पलट किया है, ये बड़ी चुनौती के साथ आज भगवंत मान शपथ लेंगे, जो कुछ ही देर में गवर्नर वहां पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल तस्वीरों में आपको नजर आएंगे और ये शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो जाएगा। सादगीपूर्ण तरीके से इसे कहा गया था कि रखा जाएगा, लेकिन पंजाब की जनता जो बुलाई गई है उसने अपने वादे को पूरा किया है और जनता चली आ रही है, ये पार्किंग भरती चली जा रही है। कहां से आ रहे हैं आप लोग? असी आया जी हल्का सनौर तो, देवीगढ़ तो। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट पटियाला जी। कब चले थे और पहुंचे कैसे हैं? असी सवेरे 5:30 बजे चले हैं जी। सुबह 5:30? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, साढ़े लगभग साढ़े को 20-22 बसा आई हैं, तो बाकी 100-150 गड्डी का काफिला जिहड़ा साडा नाल आया जी। अभी कितना पैदल चलना है? अभी हुण असी 3.5 किलोमीटर, यानी कि 3 से 3.5 किलोमीटर दे इत्थों हले दूरी है जी जिहड़ी पैदल। कोई परेशानी, कोई दिक्कत? परेशानी नहीं, उत्साह बहुत है जी। पहली बार हुआ जो 70 साल में यहाँ जो करप्ट सरकारें थी, जो गंदगी पंजाब में फैलाई हुई थी, उनको एक बोले तो पंजाबियों थपेड़े नहीं, लत्तों मार के निकाला है हर एक हल्के से। बिल्कुल, हमारे हल्के में 70 साल हो गया, बाहर के लोग आते थे लूट खो करके चले जाते थे। हाँ। और पहली बार हमारे हल्के का जमपाल सरदार हरमीत सिंह पठान माजरा को टिकट मिला और 49,000+ वोटों से उसको जिताया। यही उम्मीद है जिनकी मैं बात कर रही थी राजीव, जो ये कह रहे हैं कि लोग प्रताड़ित थे, कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर से परेशान थे, ड्रग्स की प्रॉब्लम से परेशान थे, बेरोजगारी एक समस्या है पंजाब में, प्रॉस्पेरिटी तो है लेकिन नौकरियां नहीं है और युवाओं को बाहर जाना पड़ता है। तो ये तीनों चीजें लगातार जब हम लोगों से बात करते हैं वो कहते हैं कि हमें उम्मीद है कि अब पंजाब की तस्वीर बदलेगी और आम आदमी पार्टी वो क्रांति लाएगी। और इसीलिए आप देख रहे हैं बसें चली आ रही हैं, गाड़ियां चली आ रही हैं और ये सिलसिला सुबह 6-7 बजे से ऐसे ही चल रहा है। लगता है भगवंत मान पहुंच जाएंगे लेकिन जनता के पहुंचने का सिलसिला यहां पर रुकेगा नहीं। एक तरफ शपथ ग्रहण है और दूसरी तरफ ये एक तीर्थ भी माना जा सकता है क्योंकि शहीद आजम भगत सिंह का पैतृक निवास है। तो पहली बार अगर पंजाब के इतिहास में ओथ टेकिंग सेरेमनी राजभवन से बाहर निकली है तो जनता का उत्साह भी बिल्कुल बहुत उसी तरह पूजा, इतिहास में पहली बार हो रहा है पंजाब में। अमित, वीवीआईपी मूवमेंट किस तरह की, कितनी देर बाद, क्योंकि 12:30 तो हो गया है, उससे थोड़ा ज्यादा ही हो गया है, तो मुख्यमंत्री के पद की शपथ लेंगे, तो भगवंत मान कब तक पहुंच रहे हैं, किस तरह की मूवमेंट उनके आने की लग रही है? बस कुछ ही समय में वो लोग पहुंचने वाले हैं और मैं आपको बता दूं कि देखिए वो पूरी वहां से क्लियर कर दी गया है ट्रैफिक को और वहां से जो है वही गेट है, वो सामने जो आपको पीले बैरिकेडिंग दिखाई दे रहे हैं वही गेट है, वहां से अंदर जाएंगे और कुछ ही देर में जो है अब उनको वहां पर ले जाया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लोगों का आने का सिलसिला अभी भी अब सामने पूरा सैलाब आ रहा है और पीली पगड़ियां पहने हुए लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। हालांकि जो कल हमारी जो एक्सक्लूसिवली बात हुई थी भगवंत मान के कार्यक्रम में आने के लिए, जो भगत सिंह के उन्होंने कहा था कि मैं कहीं और बिजी हूँ इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगा और उन्होंने एक चीज़ बड़ी महत्वपूर्ण कही थी,
यात्रा के कार्यक्रम करने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं थी ना रोड शो करने की, क्योंकि वो खुश तभी हो जाएंगे जब उस तरह के काम, उस तरह की सरकार यहाँ पर होगी और लोगों की परेशानियां दूर होंगी, वो सोच जब आगे बढ़ेगी। तो वो जो भी चीजें हैं, जिस तरह से अभी एक प्रवक्ता बोल भी रहे थे कि हमें लोगों के लिए करना है, तो लोगों के लिए अगर पंजाब में अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो लोगों के लिए सिर्फ यही करिए कि वैसे जो भगत सिंह चाहते थे, जिस तरह का सपना उन्होंने देखा था, वैसा बनाइए। इन फंक्शंस को बाद में भी किया जा सकता था, लेकिन इस समय जरूरत है पंजाब को बहुत ज्यादा। हल्का सा भी खर्च पंजाब को और कर्ज में ले जाएगा। हालांकि यहाँ पर लोग लगातार पहुंच रहे हैं, मैं आपको सैलाब भी दिखा रहा हूँ, पीली पगड़ियों में आपको लोग भी यहाँ दिखाई देंगे, दूर दूर इलाकों से लोग आए हैं। और ये पूरा हाईवे मैं आपको दिखा दूँ, ये पूरा हाईवे अमृतसर की तरफ जाता है, हुशियारपुर की तरफ जाता है, जालंधर की तरफ। जी अमित, तो तस्वीरें आपने दिखाई। अमित, मैं लौट रहा हूँ आपके पास। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर जगरूप सिंह सेखों जी भी जुड़ गए हैं, जो पंजाब एक्सपर्ट हैं, विशेषज्ञ हैं। जगरूप जी, बहुत कुछ पहली बार हो रहा है पंजाब के इतिहास में। नहीं सर, ऐसा कोई बात ये नहीं कहें कि पहली बार हुआ, कि पंजाब के इतिहास को देखें तो ऐसी चीजें बार बार होती रही है। और वो आप फ्रीडम स्ट्रगल से पहले भी चले जाएं, उसके बाद भी आ जाएं, पर यहाँ ये इसलिए अनप्रेसिडेंटेड है एक लिहाज से कि इतनी सीट कभी आज तक किसी को नहीं मिली है। दूसरी बात ये है कि जिस इस समय में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जैसे लोगों ने जो पैरोकियल जो आइडिया से उसको ऊपर उठकर हर रिलीजन के लोगों के, हर जाति के लोगों के, हर रिलीजन के लोगों ने, हर ऑक्यूपेशनल जो लोग थे उन्होंने इस पार्टी को बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी है। वो इसलिए दी है क्योंकि जो खास करके पिछले 30 साल में, 15 साल जो पहले भी हम बात करते रहते हैं, अकाली और कांग्रेस ने जो राज किया है, उनके राज के दौरान हमारी पंजाब की समस्याएं बहुत बढ़ गई। किसी ने भी उस समस्या का जो ढांचागत हल चाहिए था उसको नहीं ढूंढा, उसको और खराब करने की ही कोशिश की है, जिसको हम कह देते हैं कि लूटमार करने का ही काम किया है। तो ये अल्टीमेटली लोगों का गुस्सा है ट्रेडिशनल पार्टीज को, और जो उनके लीडर थे, जो खानदानी मैं उनको लीडर कहता हूँ, जो ये कहते थे इस बार हमारा नंबर है, इस बार हमारी बारी है, तो पंजाब के लोगों ने ये बता दिया है कि हमको जो गवर्नेंस चाहिए। मैं माफी के साथ टोक रहा हूं सर आपको, बिल्कुल पंजाब की जनता ने दिखा दिया और जनता ने चुन भी लिया उसको कुछ। लेकिन सर एक सवाल ये है कि क्या इतना ग्रैंड कार्यक्रम करने की आवश्यकता थी आपके हिसाब से? सर इसमें दोनों तरफ है, अगर तो हम मेरी तरफ से बोला जाए तो बिल्कुल नहीं चाहिए था आके वहां श्रद्धा देनी है, वो सिम्बोलिक है। शहीद आदम भगत सिंह की समाज पे अगर आप छांव उठाते हो तो उसका मतलब है कि आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी पड़ रही है। उससे पहले भी लोगों ने आपके ऊपर बहुत बड़ा विश्वास किया, बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाली। अगर आप यहाँ से शुरू करते हो तो इसका मतलब ये है कि लोग, कोई भी आपसे कोताही होगी जिसकी पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है, क्योंकि इनके जो नए MLA साहब अभी ने, उन्होंने 100 भी नहीं उठाई और उन्होंने वो रेड करना शुरू कर दिया, और कुछ जगहों पर तो ऐसा हुआ कि वो लगता नहीं था कि ये इसमें क्या फर्क पड़ रहा है। तो इसलिए ये जो बहुत बड़ा खर्चा किया है, पहले रोड शो भी किया था उसके बारे में लोग किंतु परंतु कर रहे हैं, पर जो इनके फॉलोअर्स हैं खास करके, जो इनको कह दिया कि जिन्होंने लोगों ने बोला कि दूसरी बातें सभी छोड़ो, अभी थोड़े समय के लिए इनको वो माफ कर रहे हैं, इनको ये स्पेस दे रहे हैं, इनको टाइम दे रहे हैं कि आप ये कर लीजिए। पर अगर मोटे तौर पर देखा जाए कि जो इतना बड़ा जो कर रहे हैं काम कर रहे हैं, तो उसकी जरूरत है। आप कह रहे हैं कि चलिए अभी खुशी का मौका, आप जीते तो भी खुशी मनाइए, लेकिन बाद में गुड गवर्नेंस चाहिए, अच्छी गवर्नेंस चाहिए। भावना किशोर इस वक्त मंच के बिल्कुल पास मौजूद हैं। भावना, वहां पर अभी मंच में क्या संख्या बड़ी है बड़े बड़े लीडर्स की? और एक मैं और ये जानना चाहूंगा कि विपक्ष से कौन पहुंचा, क्या कोई पहुंचा है या नहीं? राजीव, किसी और पार्टी के लोगों को इनविटेशन नहीं दिया गया है, केवल जो विधायक जीते हैं उन्हें बुलाया गया है। माफ करिएगा, 117 जो विधायक हैं जिन्होंने जीत दर्ज की गई है, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे अकाली हों, चाहे भाजपा हो, सभी लोग इस मंच में नजर आएगा। इसके अलावा किसी भी बड़े नेता, किसी भी और पार्टी के नहीं इन्वाइट किया गया है। और वहीं अगर बात करें, थोड़ा सा विलम्ब जरूर हो रहा है भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल और गवर्नर को आने में। 12:30 बजे का वक्त था, लेकिन हम देख रहे हैं कि 12:40 होने जा रहा है, लेकिन कुछ ही क्षण में भगवंत मान पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री पद का शपथ लेंगे। हम आपको इस वक्त मंच की तस्वीरें दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि देखिए, जो 116 विधायक हैं उन्होंने अपनी कुर्सी ले ली है। सारे विधायक आपको तस्वीरों में
पे नजर आएंगे। सभी लोग जो है वो पहुंच चुके हैं। वही दिल्ली से जो कैबिनेट आई है वो भी पहुंच चुकी है, वो सभी लोग बैठ चुके हैं, बस इंतजार है भगवंत मान का। और बताया जा रहा है कि कुछ ही क्षण में भगवंत मान पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। लेकिन इस वक्त अगर हम यहाँ की बात करें तो कम से कम 3 से 4 लाख लोगों की मौजूदगी में ये जो पूरा कार्यक्रम है वो हो रहा है। और लोग अभी भी, जैसा हमारे सहयोगी बता रहे थे, लोग अभी भी दूर दूर से चले चले आ रहे हैं क्योंकि पार्किंग दूर है। लोग अभी भी इस कार्यक्रम में आने के लिए, शामिल होने के लिए वो पहुंच रहे हैं। और लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं, लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीद है। भगवंत मान एक चर्चित चेहरा थे राजीव, भगवंत मान को लोग बहुत पहले से पसंद करते हुए आ रहे हो। पहले सांसद से संगरूर के लोगों की आवाज़ वो संसद में उठाते थे, लेकिन जब अरविंद केजरीवाल ने उनसे उनकी पूछा गया कि आप मुख्यमंत्री के तौर पर किसे देखना चाहते हैं, तो बहुत ज़्यादा लोगों ने वोट भेजे, मैसेजेस भेजे कि भगवंत मान को ही मुख्यमंत्री प्रत्याशी बनाया जाए। उसके बाद एक बड़ी जीत देखिए राजीव दर्ज की गई है, 92 सीट्स निकाले, बड़े बड़े दिग्गजों को हरा दिया, उसके बाद एक प्रचंड जीत हासिल करके एक ऐतिहासिक जीत हासिल की। और ये ऐतिहासिक क्षण भी है, इस वक्त आप देखिए भारी संख्या में लोगों को बुलाया गया, लोग आए भी हैं क्योंकि लोगों का कहना है कि देखिए हमें उम्मीदें बहुत है, वादे बहुत किए गए। और हमें हम लोगों से जब बात कर रहे थे राजीव, तो लोग कह रहे थे कि हमें मान सरकार से बहुत उम्मीद है, ईमानदार हैं, और जो ईमानदार सरकार, ईमानदार कैबिनेट देने का वादा किया है उससे हमें लगता है कि आने वाले समय में चीज़ें पंजाब में बदलेगी। पंजाब जिस तरह से देखिए आम आदमी पार्टी लगातार कहते हुए आ रही है कि हम पंजाब को देखिए भगत सिंह के सपनों का पंजाब बनाएंगे, वो तो वक्त बताएगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए बॉर्डर स्टेट एरिया, बहुत ही सेंसिटिव एरिया, यहाँ पर मसले बहुत बड़े बड़े हैं, उसको कैसे खत्म किया जाएगा। देखिए बेअदबी के मसले बहुत ज़्यादा हैं, महिलाओं को जिस तरह से बोला गया है कि उन्हें 1000 रुपये अकाउंट्स में दिए जाएंगे हर महीने, स्कूल एजुकेशन अच्छा करेंगे, फ्री एजुकेशन देंगे, अस्पताल अच्छे करेंगे, बच्चों को नौकरियां प्रोवाइड कराएंगे, काफ़ी बड़े बड़े वादे हैं, गारंटियां दी गई हैं। लेकिन देखिए आज जब भगवंत मान शपथ लेंगे, आने वाले एक हफ्ते में पता चल जाएगा कि कैबिनेट जो 17 की जो कैबिनेट होगी उसमें कौन कौन से चेहरे आपको देखने को मिल सकते हैं। देखिए 92 लोग हैं, उसमें से कौन कौन लोग जो है वो कैबिनेट में हिस्सा बनेंगे, वो कौन से चेहरे होंगे। लेकिन इस वक्त आज केवल अगर बात करें तो भगवंत मान ही केवल मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं, बाकी जो लोग हैं वो बाद में शपथ लेंगे। लेकिन तस्वीरों हम दिखा रहे हैं कि कुछ ही पल में इस वक्त जो हमें खबर आ रही है कि भगवंत मान, अरविंद केजरीवाल जो है वो पहुंच सकते हैं। फिलहाल सारे विधायक जो है वो आ चुके हैं, वहीं कैबिनेट दिल्ली से आया हुआ है, अरविंद केजरीवाल का पूरा परिवार इस वक्त पहुंच रहा है। तो इस वक्त हम बता दें कि दूर दूर से जो लोग हैं, गांव से कस्बों से पहुंच रहे हैं और बहुत उत्साहित है क्योंकि लोगों को उम्मीद भी बहुत ज्यादा है। राजीव जिस तरह से बड़ी बड़ी गारंटियां की है, बड़े वादे की, एक मौका मांगा गया था पंजाब की जनता से, वो एक मौका पंजाब की जनता ने दिया है, इसलिए उम्मीद भी बहुत ज्यादा है। वो तो वक्त बताएगा कि कितने उम्मीदों पर आम आदमी पार्टी। बिल्कुल भावना, जो भीड़ पहुंची है वो उम्मीदें लेकर पहुंची है, अपेक्षाएं लेकर पहुंची है, उन अपेक्षाओं पर खरा उतरना अब भगवंत मान के लिए चुनौती होगा। मैं लौट रहा हूं भावना आपके पास, लेकिन तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, चंद मिनटों का इंतजार और उसके बाद अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान मौजूद होंगे इस मंच पर। हमारी नजरें लगातार बने हुए थे कि आप कितनी बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और ये सिलसिला थमा नहीं। लोगों ने, जिन लोगों से बात हुई उन्होंने कहा कि वो कोई सुबह 5 बजे निकल गया, कोई पैदल चला रहा है और पहुंचना चाह रहे हैं। कई बार सोचते हैं भी ये खेती छड़ी ने, उन्होंने बहुत टाइम हो गया भी, फिर भी ये फसलों बारे बहुत नॉलेज रखते। तुम ऐ ला लो भी सतौज पिंड च असी घट्टो घट 50-60 किले सीधी बिजाई दे, बाई दे, सुझाव देने दे तो तस्वीरें आप देखिए। अमित भारद्वाज भी हमारे साथ लगातार बने हुए। अमित, और कितना इंतजार, 12:30 से ज्यादा वक्त हो गया। अमित, अगर मेरी आवाज आपको मिल रही हो तो चूंकि आप उस जगह पर मौजूद हैं जहां पर ये वीवीआईपी मूवमेंट होगी, वहीं से सभी लीडर्स को पहुंचना है, तो और कितना इंतजार। लगता हूं तक आवाज नहीं पहुंच रही। बहरहाल आप इन तस्वीरों को देखिए, क्योंकि आज पंजाब में भगवंत मान शपथ लेने वाले हैं, राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित वहां पर मौजूद हैं और हमारे साथ खास मेहमान हैं, जी न्यूज की नजर बनी हुई है, हमारे संवाददाता अलग अलग हिस्सों पर मौजूद हैं। पूजा का एक बार करते हैं। पूजा, क्या आप, थोड़ी सी शांति हुई वहां पर, क्या आप जिनको पहुंचना था वो पहुंच गए हैं और जा चुके हैं, या फिर अभी भी सिलसिला आप देख रहे हैं कि चलता चला आ रहा है?
देखिए राजीव, जिनको पहुंचना था उसमें सबसे पहला नाम तो है खुद भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल का, उनके पहुंचने का इंतजार हो रहा है। लेकिन इस बीच में आपको एक शख्स से मिलवाना चाहती हूँ, पीली पगड़ी पहनकर ये खुद नेपाल से चलकर आए हैं इसमें हिस्सा लेने के लिए। नेपाल से क्या वजह रही कि यहाँ तक आ पाए? नमस्कार, मैं भारत विक्रम शाह, मैं फारोइस नेपाल से हूँ। मैं बहुत खुश हूँ जो एक पंजाब में एक करप्शन के विरुद्ध एक जो मुहिम छेड़ी थी आम जनता पार्टी ने, तो आम आदमी पार्टी का जो ये चल रहा है, जो एक चेंजेस आया देख सकते हो, करोड़ों लोग यहाँ आ रहे हैं आज, एक खुशहाली का माहौल है। ये अब एक पुराना एक जो ट्रेंड चल रहा था एक उसको चेंज कर रहे हैं, युवाओं के हाथ में सरकार जा रहा है, करप्शन को जीरो कर रहे हैं, विकास बिल्कुल हो रहा है। देखिए राजीव, ये तो आए हैं नेपाल से, लेकिन एक बार हम आपको यहाँ पार्किंग की तस्वीर दिखा देते हैं कि जितनी देर से हम लाइव पर खड़े हैं उतनी देर से ये पार्किंग करीब होकर हमारे पास गाड़ियाँ ऑलमोस्ट पहुँच चुकी हैं। यहाँ रास्ता कम पड़ने लगा है अब बसों के गुजरने का, और जहाँ तक हमारा कैमरा आपको दिखा पाएगा वहाँ तक सिर्फ गाड़ियाँ और बसें और ट्रैक्टर आपको नज़र आ रहे हैं। और आपने जो सिलसिला पूछा था वो सिलसिला अभी भी रुका नहीं है, एक के बाद एक बसेज आ रही हैं। ये जगह 3.5 किलोमीटर दूर है मेन वेन्यू से, पहले किलोमीटर की पार्किंग बंद की गई है, उसके बाद दूसरे किलोमीटर की, और अभी ये तीसरी उस रो में पार्किंग है जहां पर मैं खड़ी हूं। मुझे लगता है थोड़ी देर बाद शायद यहां भी गाड़ियों का आना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अब सिर्फ एक रो बची है और उसी रो से बसेज लगातार चली आ रही हैं अलग अलग गाँव और शहरों से, कहां से चलते चले आ रहे हैं। मेरा हाल खासाने वाला जी, सो कितना पैदल चल के आए? नहीं, पैदल चल के सारे पैदल चल के जा रहे हैं, साढ़े तो कुछ बंदे गुम हो गए सीगे। अच्छा। ते ओ बंदे नु लभदे फिरदे आ सी, फोन तो मिल नहीं रहे हैं, कैसे ढूंढेंगे? फोन नहीं मिल रहे हैं, बंदे साढ़े दो बेचारे गुम हो गए, वो पिंडोस असी उन्होंने नाल लेके आए सीगे, हुण वो बंदे लभदे नहीं गए, ते गड्डी साडी उधर अगे खड़ी है, ते मैं सोचा चलो सारे बंदे नु कहिया वी उन्होंने लभदे आपां। तो पंजाब की जनता यहां विकास ढूंढ रही है, ये अपने खोए हुए लोगों को भी ढूंढ रहे हैं, और लोग अब इंतजार कर रहे हैं। देखिए झाड़ू लेकर भी यहां पर गाड़ी में लोग चले आ रहे हैं जो कि आम आदमी पार्टी का सिंबल है। और इसी तरह की अलग अलग तस्वीरें हमें मिल रही हैं पंजाब से भी और बाकी शहरों से। नेपाल से आए हुए एक शख्स से हमने आपको मिलवाया, ये सिलसिला मुझे लगता नहीं है कि भगवंत मान के आने के बाद भी थमेगा, क्योंकि गाड़ियां पीछे से चलती चली आ रही हैं। दिखाई और उम्मीद है कि जो खोए हुए हैं वो जरूर मिल जरूर जाएंगे उनको। अमित का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। अमित, और कितना वक्त? जी मैं आपको तस्वीरों में दिखा रहा हूं लगातार, जो यहाँ से पिंक पास जो कि वीवीआईपी गेट तक जाता है वहाँ पर जो है वो गाड़ियाँ जा रही हैं। अब कुछ ही देर में देखिए वहाँ से ये क्लियर कर लिया जाएगा और लोगों का सिलसिला जारी है। देखिए आप वहाँ एक पर पूरी लेन में चल रहे हैं वो लोग, वहाँ अगर हम की बात करें तो वहाँ से भी दिखाई दे रहे हैं। और ये देखिए पूरे जो पूरा लेन है ये पूरा लेन है हाईवे में, देखिए एक ही तरफ बड़े ही कायदे से लोग चल रहे हैं, पहुंच रहे हैं लोग यहाँ पर। जो पार्टी बात करे और पंजाब के उत्थान की बात करे उसकी है वो ठीक है। मैं अमित लौट रहा हूँ आपके पास, आप बताना कि मूवमेंट काफी है। और भावना आप क्या तस्वीरें वहां से दिखाएंगे और क्या क्या वहां पर इस वक्त चल रहा है? भावना मेरी आवाज मिल रही है आपको? लगता हूं तक आवाज नहीं पहुंच रही। हमारे साथ इस वक्त जगरूप सिंह सेखों जी लगातार जुड़े हुए हैं। जगरूप सर, सबसे बड़ी चुनौती भगवंत मान के सामने क्या होगी? क्या वो कर्जा होगी, नशा या फिर बेरोजगारी? असल में ऐसा है कि जितनी एक्सपेक्टेशन राइज हो गई है अब गवर्नमेंट की इतनी कैपेबिलिटी वो डेवलप कर सकेंगे कि नहीं कर सकते, मेरे को ये लगता है एक्सपेक्टेशन और कैपेबिलिटी के बीच जो गैप होगा, जो मिसमैच होगा, वो ही भगवंत सिंह के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। अब ये पंजाब में जैसे अभी इन्होंने लोगों ने इनको मैंडेट दिया है, हमारी अपनी स्टडी में लगा है कि सबसे बड़ी बात वो डेवलपमेंट की करते हैं, और डेवलपमेंट का मुद्दे को समझने के लिए उसको, ये सिर्फ डेवलपमेंट सड़कों के लिए नहीं होती, डेवलपमेंट एक होलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए जिसमें लोग लगे कि यहाँ कुछ ना कुछ हो रहा है, जो वो हो रहा है जो उनको सेंस ऑफ बिलोंगिंग देता है। तो चैलेंजेस बहुत बड़े हैं, आपने जैसे बोला कि अनएम्प्लॉयमेंट की बात भी है, वहाँ हमारी यूथ जो सारी बाहर जा रही है, एस्पिरेशनल यूथ बहुत ज़्यादा है पर वो वहाँ टिकना नहीं चाहते। दूसरी बात यह है कि जो अग्रेरियन क्राइसिस है, सबसे बड़ा इनको चैलेंज जो है वो जो हमारी पीजेंट्स मूवमेंट्स हैं वहाँ से भी आने की बहुत बड़ी हम उम्मीद करते हैं। इसके साथ साथ में एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते हैं,
पर सबसे बड़ी चैलेंज इनका वो देखा जाएगा जो हमारे करप्शन है, जो हमारे माफिया राज है। अभी शराब की जो थोड़े 31st December तक कौन सी पॉलिसी लेके आते हैं, करप्शन कैसे खत्म करते हैं, पुलिस को कैसे प्रोफेशनल बनाते हैं, गैंगस्टर को कैसे खत्म करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि ये जो बहुत बड़े चैलेंज, आपने बॉर्डर स्टेट की बात की, वो बॉर्डर स्टेट का इशू है पर वो इतना बड़ा इशू नहीं है जितना शायद नेशनल मीडिया में इसको बढ़ा चढ़ा के दिया जाता है। बॉर्डर 47 से ही है और जब बॉर्डर अपने जो अमरिंदर सिंह थे तब भी था, उसके बाद भी है। उसके अलावा क्योंकि बॉर्डर तो अब सारा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, उन्होंने जीरो लाइन से लेकर 50 किलोमीटर तक रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ले ली। इन केस अगर बॉर्डर में कुछ होता है तो उसकी सीधी जिम्मेवारी केंद्र सरकार बिल्कुल के पास होगी। के दायरे को भी तो बढ़ाया गया। मैं सर लौट रहा हूँ आपके पास, अहबाब जी हमारे साथ हैं। अहबाब सर, आप नशा मुक्ति कैसे करेंगे, वो भी खासतौर पर तब चूंकि ये सवाल मेरा नहीं, चूंकि सोशल मीडिया पर भी ये चल रहा है, विपक्ष ने भी ये सारी बातें कही कि, और ये पर्सनल कमेंट जो है भगवंत मान पर लगातार कर रहे थे उनकी ड्रिंकिंग हैबिट्स को लेकर, तो नशा मुक्त कैसे करेंगे, जो दूसरी चुनौतियों का अभी जिक्र कर रहे थे जगरूप सर, तो वो कैसे करेंगे, आप क्या विजन है आपके पास? राजीव जी एक बात बताता हूँ, मैं बहुत भावुक हूँ आज। 2013 में एक छोटे से चौबारे से हमने दफ्तर शुरू किया था और अगर वहां से यहाँ 9 साल में हम आ गए, अगर हम मेहनत करके यहाँ तक पहुंच गए तो आगे भी जाएंगे। अब होगा क्या, होगा क्या कि जो पुलिस और ब्यूरोक्रेसी पंजाब की बुरी तरह से क्रिटिसाइज हुई हुई थी और जो प्रोफेशनल अच्छे ऑनेस्ट ऑफिसर्स थे वो बैक सीट लिए हुए थे, अब हम एक पूरे का पूरा ऐसा तंत्र बनाएंगे जहां पे जो प्रोफेशनल डिजर्विंग ऑफिसर्स हैं, ना सिर्फ ना वो ऑफिसर जो किसी ना किसी राजनेता के की मेहरबानी से लगते थे, डिजर्विंग ऑफिसर्स आगे आएंगे। हमें सबको पता है पंजाब में, सबको पता है कि किसके तार किस चीज से जुड़े हैं। अब आप एक बात देखिए, ये फंक्शन आज हुआ है, आज तक सब राजभवन में होता था, चुनिंदा परिवार बैठते थे, सरकार बन जाती थी। आज पंजाब के सारे लोग आए हैं, जिस दिन से रिजल्ट आया उस दिन से कम 200-300 करोड़ का अवैध रेता ही बिकना रुक गया है पंजाब में। सो आप देखिए द अमाउंट्स ऑफ द फिगर्स जो इसमें इन्वॉल्व हैं। बेसिकली ये है कि जब आपकी पुलिस और ब्यूरोक्रेसी प्रोफेशनली काम करेगी, पंजाब पुलिस वो पुलिस है जिसने पंजाब से आतंकवाद का खात्मा किया है, और अगर वो इतनी बड़ी एक उपलब्धि प्राप्त कर सकती है तो वो ड्रग्स स्मगलर्स और गैंगस्टर्स को बड़े आराम से काबू कर सकती है। बात थी पॉलिटिकल पेट्रनेज की, जब पॉलिटिकल पेट्रनेज खत्म हो जाएगी तो खुद ब खुद ये चीजें बंद हो जाएंगी। मान साहब पे व्यक्तिगत हमला कोई कुछ करी जाए, लेकिन हम ये ठान के आए हैं कि हम ऑनेस्ट डिजर्विंग ऑफिसर्स को आगे लाएंगे। पॉलिटिकल पेट्रनेज, और मान साहब ने आते सार एक बात कही कि सबसे पहले मैं सारे पंजाब का मुख्यमंत्री हूँ, 117 के 117 अंकों का मुख्यमंत्री हूँ। दूसरी बात कि अब अफसर जैसे अकाली या कांग्रेस के समय में एमएलए लगवाया करते थे फिर अपनी मनमर्जी करते थे, वो नहीं होगा। इम्पार्शियलिटी से डिजर्विंग ऑफिसर लगेंगे और डिजर्विंग ऑफिसर्स को ये हिदायत दी गई है कि आपको चाहे हमारा कोई बंदा भी आपको कुछ गलत करने को कहे, आप उसको जवाब, आप उसको काटिए। और केजरीवाल साहब ने पहले दिन कहा था कि अगर किसी मंत्री ने, अगर किसी एमएलए ने, सबसे पहले अपने लोगों को वार्निंग दी थी कि अगर किसी को ये वहम है कि हम ऐसा कुछ कर लेंगे तो मैं बख्शूंगा, तो अपनों को भी नहीं और अपनों का तो मैं एग्जाम्पल बनाऊंगा। सो एक जो हैंड ऑफ द लॉ है राजीव जी, जब वो कॉमन मैन के हाथ में जाएगा तो समस्याओं का समाधान होगा ही होगा। पॉलिटिकल पेट्रनेज टू माफियाज खत्म की जाएगी, चाहे वो लैंड माफिया हो, चाहे सैंड माफिया हो, चाहे ड्रग माफिया हो, चाहे केबल माफिया हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी माफिया हो। पंजाब में पंजाबियों की जिंदगी का हर एक पहलू माफियाकरण कर दिया गया था, उसे खत्म करेंगे तो खुद ब खुद उन प्रॉब्लम का हल होगा, आमदन बढ़ेगी और जब डेवलपमेंट की तरफ बढ़ेंगे तो पंजाब आप मेरे विकास की तरफ बढ़ेंगे, उसके लिए हम ब्यूरोक्रेसी चेंज करेंगे। एक हमारे संवाददाता पूजा हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई। पूजा, सभी इंतजार कर रहे हैं और मेरे ख्याल से पूरे भारत में इंतजार हो रहा है जब भगवंत मान शपथ ग्रहण करेंगे, वो भी शहीद आजम भगत सिंह के गाँव में, तो वो कब तक पहुंच रहे हैं? पूछा, मेरी आवाज मिल रही है आपको? लगता हूं तक आवाज नहीं पहुंच रही है। आप इन तस्वीरों को देखिए, नाचते हुए लोगों को आप देखिए, झूमते हुए लोगों को आप देखिए, इसमें बहुत सारे आम आदमी पार्टी के वर्कर्स भी हैं लेकिन बहुत बड़ी संख्या में यहां पर आम आदमी पहुंचा हुआ है। आम आदमी पहुंचा हुआ है क्योंकि आम आदमी पार्टी को उन्होंने चुना, भगवंत मान को जो है उन्होंने चुना है मुख्यमंत्री के तौर पर, चूंकि आम आदमी पार्टी ने पहले ही नाम का ऐलान कर दिया था और उसके लिए भी उन्होंने एक नंबर जारी किया था और फिर ये दावा किया गया कि लाखों लोगों ने कहा कि भगवंत मान को आप एज ए सीएम प्रोजेक्ट करिए। फिर भगवंत मान के चेहरे पर चुनाव आगे बढ़ा और भगवंत
मान के नाम पर मोहर लगी। जनता के जहन में भगवंत मान मुख्यमंत्री बन चुके, लेकिन आज औपचारिकता, आज वो शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है, कार्यक्रम शुरू हो गया है, लेकिन इंतजार हो रहा है भगवंत मान का, इंतजार हो रहा है अरविंद केजरीवाल। संभवतः इस शपथ ग्रहण के बाद उनकी कोई उनका संबोधन भी हो, तो क्या उसमें बड़े पॉइंट्स रखते हैं, क्या कोई बड़ा ऐलान भी होता है, इस पर भी हमारी नजरें रहेंगी। तो भगत सिंह के गांव का चयन हुआ है, जगरूप सिंह जी, भगत सिंह के गांव का चयन, इसके पीछे के कारण आपको क्या लगता है, पॉलिटिकल कारण, राजनीतिक मायने इसके क्या है? हीरो है, पंजाबियों का हीरो है, अनडिवाइडेड पंजाब के जो पंजाबियों हीरो है, देश का हीरो है, रेवोल्यूशन को सिंबलाइज करता है। इतनी छोटी उम्र में इतने बड़ा माइटियस जो रजीम था उसको उसने चैलेंज किया, विचारधारा के ऊपर फोकस करता है, सेकुलरिज्म को रिप्रेजेंट करता है, इन सब छोटे विचारों से उठकर ऊपर है। भगत सिंह एक आइडिया है, भगत सिंह की आइडियोलॉजी है, ये बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने वहां से शुरू कर रहे हैं। हाँ, चैलेंज वो अभी जो मेरे साथी बता रहे थे, चैलेंज वो है कि इस आइडियोलॉजी को अडहियर हम कैसे करें और उसको इम्प्लीमेंट करें। ये बात बहुत क्लियर है, जैसे उन्होंने बोला, अगर ये एक स्टेप आगे लेके जाएंगे, सरकार जो इनकी है, जो कि एमएलए साहबान है या जो स्टेट है, जो पंजाब के लोग हैं, वो चार स्टेप इनके साथ चलेंगे। क्राइसिस इसलिए बहुत बड़ा नहीं होगा क्योंकि लोगों की सपोर्ट है। एक तरफ पंजाब की जनता लड़ी है, ठीक है, आम आदमी पार्टी एक माध्यम था, पॉलिटिकल पार्टी है, तो अगर आप सारा डाटा देखें कि किस तरीके से लोगों ने सभी बातों से ऊपर उठकर, को कहते थे दलित को वोट देगा, वो जाट उसको वोट देगा, बढ़िया उसको वोट देगा, हिंदू उसको देगा, मालवाई, ऐसा कुछ नहीं हुआ। पंजाब के लोगों ने एक बिल्कुल बिल्कुल लेवल प्लेइंग कर दिया। और ये जो सिंपलाइज कर रहे हैं, भगत सिंह की बात कर रहे हैं, अगर वो उसूलों पे चल पड़े, अगर उसकी विचारधारा को ये अडॉप्ट कर लें, और विचारधारा क्या है, वो कॉमन आम आदमी के साथ खड़े होने वाली रियल टर्म में विचारधारा है, और ये का मतलब ये है कि जो जुल्म है, या किसी किस्म का जो फनेटिसिज्म है, या जो अथॉरिटेरियन रजीम है, उसके साथ लड़ाई करने का एक बहुत बड़ा सिंबल है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर भगत सिंह की जे अगर ये विचारधारा लेके जो सरकार आगे बढ़ती है और उसके ऊपर काम करती है, तो मेरे को नहीं लगता कि कोई समस्या और उनको जनता ने चुना है। पर ऐसा है कि वो तो खैर सिंगल लग तो ठीक है, दूसरी बात है उनके पास कांग्रेस के लोग भी आए हैं, बहुत बड़े अमीर लोग भी आए हैं, जैसे वो मोहाली के एमएलए साहब हैं, वो शायद 100 करोड़ के मालिक हैं। ये मिक्स है, ये ठीक है कि जो सिंबॉलिक फाइट होती है कि एक आम आदमी को लोगों ने वोट डाला, जैसे चन्नी साहब को हराने वाले थे, इस बात में तो बहुत क्लियर था कि लोगों ने ठान ली थी कि जो बड़े बड़े ठीक है सर, मैं माफी के सर माफी के साथ मैं आपको रोक रहा हूँ, आप कंटिन्यू कीजिएगा। आप हमारे संवाददाता भावना इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। भावना, अगर मेरी आवाज आपको मिल रही है, तस्वीरें आप दिखाएं और मंच पर और नए चेहरे कौन कौन से जुड़े हैं बताएं। जी बिल्कुल, जिस तरह से हम आपको बता दें कि कुछ ही देर में जो भगवंत मान है, जो आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, वो पहुंचने वाले हैं। थोड़ा देर जरूर हो गई है क्योंकि 12:30 बजे का वक्त था, 1 जरूर बज गया है, लेकिन हम आपको तस्वीरों में दिखाते हैं कि जो विधायक है, सारे विधायक जो है इस वक्त वो पहुंच चुके हैं, आपको सीट पर वो बैठे हुए नजर आएंगे पीली पगड़ी में। और जो महिला विधायक है वो या तो आज पीली सूट में आई है और पीले दुपट्टे में आपको तस्वीरों में नजर आ रहा होगा। वही जो दिल्ली से कैबिनेट है वो भी पहुंचा, दिल्ली के जितने भी विधायक है वो भी इस वक्त पहुंच चुके हैं, सारे विधायक जो है दिल्ली के वो भी इस वक्त यहाँ पहुंचे हुए। अगर पंजाब की बात करें तो आपको हम तस्वीरों में दिखा देते हैं जो विधायक हमें इस वक्त नजर आ रहे हैं, चाहे वो गुरप्रीत बस्सी हो, गुरदेव मान हो, अजीत पाल हो, चरणजीत सिंह हो, अनमोल गगन हो, नरेंद्र कौर हो, वो भी इस वक्त हमें तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, चाहे लाभ सिंह हो, जीवन ज्योत कौर जो कि अमृतसर ईस्ट से जीती हैं, चाहे वो गुरमीत सिंह हो, मनजीत सिंह हो, बलजिंदर कौर हो, सरबजीत कौर हो, कुलतार संधवा हमें नजर आ रहे हैं, हरपाल चीमा जो कि एलओपी रह चुके हैं, आपको हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि जो सारे विधायक हैं वो पहुँच चुके हैं। बस इंतजार इस वक्त है आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की, वो भी पहुँचने वाले हैं कुछ देर में। और आज गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित जो है वो भगवंत मान को शपथ दिलाएंगे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.